आबकारी मंत्री जगदीश देवड़ा ने शराब नीति को लेकर कहा कि अभी तक कोई शराब नीति नहीं बनाई गई है, इस पर मंथन किया जा रहा है। उन्होंने मुरैना में शराब पीने से हुई मौतों को लेकर कहा कि जो भी दोषी है उनको छोड़ा नहीं जाएगा, उन पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। जगदीश देवड़ा ने कहा कि जनता ने जो हमें मौका दिया है उस पर हम पूरी तरह से खरे उतरेंगे। 1.5 साल उन्हें भी मौका मिला पर उन्होंने कुछ नहीं किया। मुरैना में जहरीली शराब से हुई मौतों पर उन्होंने दुख जताया और कहा कि हम परिवार वालों के साथ हैं। देवड़ा ने कहा कि इसमें अगर अधिकारी दोषी पाए जाएंगे तो उन पर भी कार्रवाई होगी। आत्मनिर्भर एमपी को लेकर उन्होंने कहा कि इसके लिए सारे विभागों ने रोड मैप तैयार किए हैं। विभागों ने जो तैयारी की है उसको धरातल पर उतारने का काम चल रहा है। बजट के लिए सभी विभागों से रिपोर्ट मांगी गई है। कोरोना काल में सारे देशों की अर्थव्यवस्था प्रभावित हुई है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आर्थिक परेशानियों के बीच गरीबों के लिए कल्याणकारी योजनाएं लागू की हैं जो कांग्रेस ने बंद कर दी थी। माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो कहा है वो सही कहा है कि अभी आबकारी नीति पर विचार विमर्श चल रहा है, मंथन चल रहा है, अभी कोई नीति फाइनल नहीं हुई। शराब की दुकानें बढ़ाना है या नहीं बढ़ाना है इस पर अभी विचार नहीं हुआ है। ये सारी अटकलें आ रही है जो भी बात, बहुत ही दुखद घटना है और बार बार इसको माननीय मुख्यमंत्री जी भी कह चुके हैं कि यह दुर्भाग्यपूर्ण है और जो कुछ हुआ है वो बहुत कष्टदायी है, लेकिन उस पर कार्रवाई हो रही है। कोई अपराधी बचेगा नहीं, जहां भी होगा वहां से उस अपराधी को पकड़ करके सजा दी जाएगी और निश्चित रूप से उनके खिलाफ जितनी कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो सकती है वो कार्रवाई होगी। और इस मध्य प्रदेश की धरती पर जैसा कि माननीय मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन में और नेतृत्व में कहा है उन्होंने, कोई भी माफिया, चाहे भू माफिया हो चाहे वो शराब माफिया हो, अब इस मध्य प्रदेश में टिक नहीं पाएंगे। अब उनके खिलाफ जितनी कड़ी कार्रवाई हो सकती है वो कार्रवाई करेंगे। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के पीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।